नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके सामने कमल शर्मा। आज अपन बात करेंगे रूफ टॉप फार्मिंग की। जैसे ज़्यादातर कृषि के बारे में अपन बात करते हैं, तो कृषि में कैसे नई तकनीकों को काम में लेके अपन किसान का कैसे उत्पादन ज़्यादा ज़्यादा बढ़ा सकते हैं, इस पे रोज़ बात करते हैं। लेकिन आज थोड़ा सा अलग टॉपिक लेके आया हूँ मैं कि शहर के अंदर आदमी कैसे खेती कर सकता है, कैसे उसके किचन के वेस्ट जो है, रसोई के वेस्ट को काम में लेके और उसको उसी से खाद बनाए और उसी खाद को पौधों के रूप में काम में ले। जैसा कि अभी आप देख रहे होंगे कि ये गंवार की फलियां लगा रखी हैं, ठीक है, और एक पौधे के एक गमले के अंदर लगभग 7 से 8 वो लगा रखे हैं पौधे, और इसमें लगभग दो पिछले 2 महीनों में कम से कम 7-8 किलो फलियां लगभग 10 गमलों के अंदर ये लगाई है। और जैसे मेरी फैमिली 5 मेंबर्स की हैं, तो हर बार लगभग 1/2 किलो के आसपास फली तोड़ लेते हैं हर दूसरे तीसरे दिन। तो हमने 7-8 किलो फलियां तोड़ी हैं, बहुत ही सारी ऑर्गेनिक फलियां हैं। और आप देख पाएंगे, देखो कोई भी वो नहीं डाला हुआ, तो अभी थोड़ा से इंसेक्ट लग रहा है, लेकिन देखो ये बायोलॉजिकली ये जो चीटे होते हैं और छोटी वाली चीटियाँ होती हैं, ये इनको एफिड जैसिड जो लगे हुए हैं इनको खाते रहते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा आप देख सकते हैं, देखो ये एक चीटा लगा हुआ है, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे शायद आप, ये वाइट एफिड जैफिड लगे हुए हैं इनको। ये देखिए देखिए थोड़ा सा दोबारा देखिए, ये जा रहा है, ठीक है, नीचे ये इनको खाते रहते हैं। इसमें किसी प्रकार का केमिकल नहीं डाला गया है, ठीक है। अभी सबसे बढ़िया बात करेंगे कैसे अपन ऑर्गेनिक खेती कर सकते हैं बिल्कुल बहुत ही कम कॉस्ट में। इसमें मुश्किल से 2 रुपये का बीज लाया हुआ है, 10 रुपये का दिया था, लेकिन इसमें 2 रुपये का ही काम आया, बचा हुआ और जगह मैंने दे दिया। अभी अपन बात करेंगे अपन कैसे कर सकते हैं। देखो आपके घर में जितना भी वेस्ट होता है या रोज़ जो कूड़ा इकट्ठा होता है, उसमें से 80% ऑर्गेनिक होता है। इन गमलों के अंदर अपन वो डाल सकते हैं और नीचे डाल के ऊपर इसमें कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाल सकते हैं या थोड़ा सा मिट्टी ला के डाल सकते हैं गार्डन की, और इस गार्डन की मिट्टी के द्वारा अपन ये देख थोड़े टाइम बाद उसमें अपन ने वेस्ट डिकम्पोजर मैंने बना रखा है गुड़ के साथ, 20 रुपये की कॉस्ट है, उसमें कोई नहीं है। 20 दिन के अंदर पूरे उस जो किचन वेस्ट है अपना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज कर देता है, फिर वापस गमले को अपन जैसे 2 महीने के अंदर, जनरली 2 महीने में हर सब्जी हो जाती है, 2 से 3 महीने में, तो इसको अपन काम में ले सकते हैं। इसमें देख सकते हैं आप एक मीठा नीम भी लगा रखा है जिसको कड़ी पत्ता भी बोलते हैं। ये पौधा लगाया है पिछले 2 महीनों में, उसने अच्छी खासी बारिश में देखते हुए हाइट ली है, और ये भी आयुर्वेदिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी होती है उसकी। आप हर सब्जी में, स्पेशली कड़ी में, दाल में डाल के खा सकते हैं अपने घर की घर में, और ये बॉडी के अंदर कैंसर जैसे सिम्टम्स नहीं आने देती, तो ये आप लगा सकते हैं। इसी के साथ आप ये देख पा रहे हैं, और अभी मेरा इसको बड़ा लेवल पे करने का विचार है। जैसा कि अभी देखेंगे, अभी जस्ट 3-4 गमलों में लगभग 10 पौधों के अंदर लगभग आप देख सकते हैं, अभी मैंने इसका वेट किया है तो लगभग 450 ग्राम बैठ रहा है, ठीक है। तो ये जनरली एक फैमिली के लिए बहुत बढ़िया, सब कुछ ऑर्गेनिक है, बिल्कुल ताज़ा है, इसको खाने में जो टेस्ट आता है वो बहुत बढ़िया है। इसी के साथ ये देखो पुराने गमले थे पहले, पुरानी टेक्नोलॉजी, 5 साल से मैं कर रहा हूँ रेगुलर, और पूरे साल करते हैं। गर्मी के 2 मई जून के महीने में थोड़ा सा खाली करते हैं, क्योंकि हाई टेम्परेचर होता है और पानी का ज़्यादा थोड़ा सा शॉर्टेज है राजस्थान में, तो इसलिए 2 महीने के लिए बंद कर देते हैं पूरे साल। अभी इसके बाद इसमें पालक लगा लेंगे, धनिया लगा लेंगे, तो ये अभी पूरी सर्दियों चलता रहेगा। इसके साथ अभी थोड़ा सा टेक्नोलॉजी हम चेंज कर रहे हैं, ये तो पुराने इनमें वेट भी होता था, कुछ मिट्टी वाला होता है। अभी जो लेके आ रहे हैं हम, वो है ये SDP का। बेसिकली आप देखेंगे कि ये SDP का गमला है, और इस गमले के अंदर आप देख पाएंगे 5 से 7 साल चल जाता है, ठीक है। और इसमें भी देखो फली लगा रखी है मैंने, कारण ये रहा कि फली लगाने का कि इसमें एक कोई केमिकल कुछ नहीं, सिर्फ बीज लगा दिया, पानी दे दिया, ठीक है। तो अभी मैं आप सभी को, जो भी शहर के अंदर रहते हैं, सभी को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने परिवार में लगा लीजिए और इसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कीजिए। साथ में ही जैसे हमने गिलोय लगा रखी है, तो डेंगू जैसे सिम्टम्स नहीं हो, नीचे से आ रही है, देखिए आप, नीचे से बहुत नीचे से आ रही थी, 2 मंजिल नीचे से आ रही है। नीचे भी हमने प्लांटेशन कर रखा है जो कि ग्रीन लीफ के रूप में हम काम में ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप अलग अलग शेड्यूल के हिसाब से
अपनी वो लगा सकते हैं, जैसे आप धनिया लगा सकते हैं, अभी सर्दी आएंगी, मटर लगा सकते हैं, मूली लगा सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूँगा कि आप जैसे भी शहर में रहते हैं, आपके वो छोटी रूफ टॉप होगी, छत होगी उसके ऊपर, या फिर आप बंगले में रहते हैं, या फिर मैं कहूँगा फ्लैट में रहते हैं।